जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजनीति एक्सपर्ट में। और आज हम देखेंगे क्या कोविशील्ड वैक्सीन से जान को सच में खतरा है या सिर्फ अफवाह है या कुछ और सच्चाई है। ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन के कुछ दुर्लभ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फार्मूले से ही कोविशील्ड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया था। अर्थात जो भारत का सीरम इंस्टीट्यूट है, उसने जो ब्रिटेन की कंपनी है उसके फॉर्मूले से ही कोविशील्ड वैक्सीन का मैन्युफैक्चर किया था, अर्थात बनाया था। ब्रिटेन की मीडिया के अनुसार कंपनी के खिलाफ 51 मुकदमे चल रहे हैं। दर्जनों मामले ऐसे हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि टीके के कारण जाने गई हैं और कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े हैं। कोरोना महामारी से बचने में कोविड वैक्सीन ने काफ़ी मदद की, मगर इसके बाद हार्ट अटैक के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई। एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया कि अचानक आ रहे हार्ट अटैक के पीछे कोविड वैक्सीन जिम्मेदार है, मगर इसे सपोर्ट करने वाला कोई सबूत नहीं मिल पाया। अब फिर से यह चर्चा आग की तरह फैल रही है, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में इससे जुड़ी बात कबूल की है। अर्थात कोविशील्ड की जो कंपनी है उसने ये कबूल किया है कोर्ट में कि इससे ऐसी बीमारियों की संभावना हो सकती है। न्यूजीलैंड की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक थ्रोम्बोसिस के साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम एस्ट्राजेनेका का रेयर साइड इफेक्ट है। अब ये क्या होता है? इस मेडिकल टर्म को प्लेटलेट्स कम होने से बनने वाले खून के थक्कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे रक्त वाहिका के अंदर खून के थक्के बन सकते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्या है? खून के थक्के कई बार जानलेवा साबित हो सकते हैं। अगर यह दिल, दिमाग, फेफड़ों को जाने वाली रक्त वाहिका में जम जाता है तो जान भी जा सकती है। इसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बीमारी हो सकती है। न्यूजीलैंड की रिपोर्ट में टीटीएस के संभावित खतरे के बारे में बताया गया है। उसमें लिखा है, इस बीमारी के पीछे का सटीक खतरा नहीं पता है, लेकिन इसके अधिकतर मामलों में वैक्सीन लगवाने के 4 से 42 दिन के भीतर देखे जाते हैं। अब इसको हम समझते हैं, वैक्सीन लगवाने के 4 से 42 दिन के अंदर आपको ये चीज़ें अपनी बॉडी में दिख सकती हैं तो आप कह सकते हैं कि आप इससे प्रभावित हैं, अन्यथा नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जिंदा हैं और आपके ऊपर इसका असर नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ने बयान दिया कि भारत में टीटीएस का कोई मामला सामने नहीं आया है। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कोर्ट में ऐसे रेयर साइड इफेक्ट के मामले पहली बार नहीं आए हैं। अर्थात आपको इस चीज़ से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की जानकारी कोविशील्ड के बारे में। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति एक्सपर्ट के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि हम हमारे वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकें। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।